नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन की, कि होलिका दहन या होली कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि होली 7 तारीख की मनाई जाए या 8 तारीख की। तो अगर आपको भी जानना है कि होलिका दहन कब करनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि होलिका दहन जो है वो कब नहीं करना चाहिए। तो होलिका दहन एक तो चतुर्दशी के दिन नहीं करना चाहिए, एक प्रतिपदा यानी एकम के दिन नहीं करना चाहिए, होलिका दहन दिन में नहीं करना चाहिए और होलिका दहन भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। ये 4 समय ऐसे हैं जहाँ होलिका दहन नहीं किया जाता। दूसरी बात यह कि साल में 2 त्यौहार ऐसे आते हैं जिसमें भद्रा को मानना बहुत जरूरी है, यानी भद्रा का जो समय है उसको हटाना बहुत जरूरी है। हटाना इन द सेंस कि उस समय में, भद्रा के समय में ये 2 त्यौहार नहीं माना जाते। एक तो है श्रावणी, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, वो भी भद्रा के समय नहीं की जाती, और दूसरा है फाल्गुनी, मतलब होलिका दहन, ये भी भद्रा के समय नहीं किया जाता। तो ये दो त्यौहार ऐसे हैं जिसमें भद्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए, इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है और मैं जो आगे बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि 6 तारीख को यानी 6 मार्च को शाम को 4:18 से शुरू होकर अगले दिन 7 तारीख को 6:18 तक रहेगी। इस बीच में पूरी पूर्णिमा तिथि रहेगी और पूर्णिमा तिथि में ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। ठीक है, ये हमने जान लिया। चलिए इसी बीच में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भद्रा का समय क्या रहेगा। तो भद्रा का समय जो है वो 6 तारीख को शाम 4:20 से प्रारंभ होकर सुबह यानी कि 7 तारीख को सुबह 5:19 तक रहेगा। भद्रा का समय क्या रहेगा, 6 तारीख को यानी 6 तारीख 6 मार्च को शाम को 4:20 से प्रारंभ होगा और 7 तारीख की सुबह 5:19 तक रहेगा। तो इस बीच में तो आप कर नहीं सकते। तो टाइम क्या रहेगा फिर, तो होलिका दहन का जो टाइम रहेगा 7 तारीख यानी 7 मार्च को सुबह 5:20 से प्रारंभ होकर 6:11 के बीच यानी सुबह 5:20 से 6:11 इस बीच में आप होलिका दहन कर सकते हो। ये है पहला मुहूर्त, इसमें होलिका दहन की जा सकती है और 7 तारीख को फिर जो बाकी का टाइम बचा उसमें आप होली खेल सकते हैं, यानी कि रंग खेल सकते हैं। होलिका दहन कब होगा, 7 तारीख की सुबह 5:20 से प्रारंभ करके आप 6:11 के बीच में आप होलिका दहन ये कर सकते हो। ये तो हो गया पहला मुहूर्त। अब बात करता हूँ मैं दूसरा मुहूर्त की। दूसरा जो मुहूर्त है वो 7 तारीख की शाम को 6:38 से रात्रि 9:06 तक रहेगा। इस बीच में भी होलिका दहन किया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने आपको 2 मुहूर्त बताए और दोनों ही मुहूर्त अच्छे मुहूर्त है, लेकिन जो पहला मुहूर्त मैंने आपको बताया उसमें भद्रा युक्त है, यानी कि उस दिन जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा में भद्रा भी शामिल है, लेकिन जो दूसरा मैंने मुहूर्त बताया उसमें भद्रा का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, यानी भद्रा उसमें आड़े नहीं आएगी या भद्रा उसमें शामिल नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा का ज़्यादा जो भाग है वो 7 तारीख का ज़्यादा भाग है उसमें। तो उस दिन 10 घंटे करीब यानी 3 घड़ी से ज़्यादा तक जो पूर्णिमा है वो दूसरे दिन रहने वाली है और उसमें भद्रा में उदय काल भी नहीं है। इस कारण से अच्छा जो हमारे हिसाब से मुहूर्त है वो 7 तारीख की शाम का मुहूर्त है। तो जो 7 तारीख का मुहूर्त है जो मैंने आपको बताया 6:38 से रात को 9:06 तक, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि उसमें ना तो भद्रा है और ना ही उदयकाल भद्रा जो होती वो भी नहीं है, तो पूरी तरीके से वो शुद्ध है। उस समय आप होलिका दहन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि अगर 7 तारीख की शाम को आप होलिका दहन करते हो तो आपको फिर 8 तारीख को रन खेल सकते हो। तो ये 2 मैंने आपको बताया, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा अगर उसका मंथन किया जाए तो जो 7 तारीख की शाम वाला मुहूर्त है वो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।